देवास जिले के नेमावर आदिवासी हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी जनक्रांति संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार आदिवासी भोपाल कलेक्टर से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि नेमावर में हुई जघन्य हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा दी जाए या फिर बीच चौराहे पर सरकार के पुतलों की जगह दोषियों को जिंदा जलाया जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो। देवास के नेमा नगर में जिस तरह की आदिवासी सामूहिक हत्याकांड जो हुआ है आदिवासी परिवार के साथ, जिसमें नाबालिग बच्चियां, माँ और एक बेटा, जो कि जघन्य अपराध है और जघन्य हत्याकांड है। दुनिया भर में ऐसा पहला हत्याकांड हमने देखा, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में परिजनों द्वारा बार बार मांग उठाई जा रही थी। हमारे परिजन गुमशुदा हैं जिनकी तलाश की जाए, और प्रशासन हाथ पे धरे हाथ लगातार 31 और 32 दिन तक बेटा रहा, जिसकी मुखबिर की सूचना पर पुलिस दबाव में आकर जैसे तैसे छानबीन की तो 10 फीट गड्ढे में खेत के अंदर लाशें निकली, जो भी सड़ी गड़ली लाशें यूरिया और नमक से, जिनका सबूत मिटाने के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र पूरी लाशों को गलाने के लिए जो खाद और यूरिया डाला, जैसे अपराधियों के लिए हमारी मांग है सरकार से कि इन ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाया जाए, बीच चौराहे पर फांसी दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ परिवार के व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। वहीं उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि इस हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, साथ ही दोषी पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। इस मौके पर विजेंद्र उइके, सदन धुर्वे, अंकित मरकाम, बंटी धुर्वे, नीरज बिरवा, साधना उइके, कुसुम शिखा मरावी, राज उइके, रामदास, नीरज शुभम एवं सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। लटेरी से जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।